मांडू से है क्या? और पार्टी का इंतजार में है मतलब, क्योंकि आप लोग तो दूसरे के भरोसे है। जेबी कैसे आप लोग का बैंड नहीं बजाएगा? वो कुछ नहीं है, वो एक जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वैसे युवाओं का एक भीड़ है। हम एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार सकते हैं उन्हें इशारा कर रहे हैं कि आप भी एक उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये है कि 5 महीना लेट मिलता है तनखा युवा पे। एक तो नौकरी नहीं, आज जिसको नौकरी उसको वेतन नहीं। यही सरकार की हालात है, हेमंत सोरेन सरकार की। बरही विधानसभा में अगर टिकट स्थानीय लोगों को परिवर्तन हुआ तो जीत निश्चित है। आज खचाखच भरा हुआ है, यह जानबूझ के छोटा मैदान चुने कि बड़ा मैदान का जुगाड़ नहीं हुआ? आखिर क्यों आप लोग को बाहर रहना पड़ा? विधानसभा से आते हैं, बड़का गांव विधानसभा से। आरटी का जो दायित्व है, अगर दायित्व मिलेगा तो उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से, और अभी हम लोग आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी यहां पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर। और आप देख सकते हैं ये वीआईपी एंट्री है, यहां पर पूरा मैदान में लोग खचाखच भरे हुए हैं क्योंकि अंदर में जगह नहीं है, और नहीं जगह होने की वजह से बाहर में व्यवस्था किया गया है। बाहर में देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है, कुर्सी वगैरह भी डाल दिया गया है, और कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्तागण मौजूद हैं, हर साथ हैं। आप अपना परिचय बताइए। मूलचंद साह, बाल्यकाल से स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। मटवारी मैदान आज खचाखच भरा हुआ है, यह जानबूझ के छोटा मैदान चुने कि बड़ा मैदान का जुगाड़ नहीं हुआ? आखिर क्यों आप लोग को बाहर रहना पड़ा? जी, जैसा आप देख रहे हैं, जिस मैदान में आप देख रहे हैं, मैदान के बाहर आप देख लीजिए, तब आपको अनुभव होगा कि संख्या काफी, और वो बिना खर्च का, बिना कोई पैसा का, सब समर्पण भाव से देश के लिए और नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए व्याकुल हैं। और वो विश्व व्यापक नेता जो अपने बीच में आ रहे हैं, जनसैलाब उमड़ आया है, और जो हेमंत सरकार का जो कुरीतियां है, उनका जो भ्रष्ट सरकार है, वो बदलने के लिए जनता आतुर है। आप किस विधानसभा से आते हैं? बड़का गांव विधानसभा से। बड़का गांव में तो सुन रहे थे कि कल तक में वायरल चल रहा था कि अंबा प्रसाद भाजपा में आ जा रही है, तो क्या लग रहा है भाजपा में आ जाएगी? ऐसा है कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बड़का गांव विधानसभा में किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी चुनाव विधानसभा बड़का गांव। ऐसा भौगोलिक दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से भाजपा रहा है, शुरू से भाजपा के ही लोग वहां जीते हैं और भाजपा ही रहे हैं, भाजपा जीतेगी। लेकिन जवाब नहीं दिए। ऐसा है कि जैसे आपके माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ आप भी तो प्रत्याशी है। नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप उम्मीद रख रहे हैं ना आपको मिलेगा? पार्टी का जो दायित्व है, अगर दायित्व मिलेगा तो उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है, दायित्व मिलेगा निर्वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन बोल रहे हैं बड़का गांव में किसी को भी भाजपा को मिलेगा वो जीतेगा। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, आइए। क्या नाम हुआ भाई साहब? नरेश महतो। कहाँ से हैं? बड़का गांव विधानसभा से। बड़का गांव से दूदू को मिल गए? हाँ। तब आपका भाजपा ही है? हम भाजपा का समर्थक हैं, लेकिन हम एक्टिव नहीं है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी समर्थक हैं। हाँ, कहाँ काम करते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़का गांव। सैलरी उलरी तो मिल ही रहा होगा? कड़कड़ा मिल रहा है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये है कि 5 महीना लेट मिलता है तनखा। इसका मूल कारण है सरकार की नाकामी। 1,000 रुपए मैया योजना बांट रहा है। मैया योजना और भैया योजना से काम नहीं चलेगा। सरकार को मेन काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी। किसानों को 2,000 में भी क्या होगा? किसान को नहर की सुविधा हो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, आप रोजगार में हैं, आपको सैलरी नहीं दे रही है, तो फिर आप क्या करिएगा? आप लोग, आप ही लोग तो लाते हैं उनको। उसी तरह गुजारा चल रहा है, 5 महीना लेट मिल रहा है, गुजारा चल रहा है किसी तरह। सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, है ना? और फ्री का योजना खूब बांटे जा रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ा एक और योजना खराब है कि सबसे कम में सरकारी कर्मचारी कितना मिल जाए,
एक का मिलता 6,000 और एक मिलता 70,000। हाँ, अब नौकरी उकरी छोड़िए, अब 1,000 रुपए पेंशन का खाली इंतजार कीजिए, अब बुढ़ापा का, क्योंकि नौकरी मिलना नहीं है, नौकरी मिल गया तो पैसा नहीं मिलना है, तो क्या कीजिएगा? नौकरी तो मिल गया है, अब मैंने अनुबंध पर है, आशा में है सैलरी मिलेगा। सैलरी मिल रहा है लेकिन 5 महीना लेट कारण है। कैसे जीवन यापन होता है? उसी तरह सोच रहे हैं कि यही महीना की मिला। अच्छा, 5 महीने का चल रहा है, एक ही महीना में मिल रहा है, 5 महीना लेट चल रहा है अभी। अच्छा, लेट चल रहा है। देखिए हमारे बीच में और भी कार्यकर्ता, कहाँ से हैं भाई साहब? मांडू से हैं। क्या नाम हुआ? राजेंद्र कुशवाहा। राजेंद्र जी एक बात बताइए, मांडू भी आप ये कहाँ से? मांडू से बता रहे थे? मांडू से। अच्छा, मांडू भी बड़ी हॉट सीट बना हुआ है। मांडू हॉट सीट बना हुआ है काहे कि जो पहले जो विधायक हुआ करते थे मांडू का, अभी भाजपा छोड़ चुके हैं, और मांडू में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग मांडू सीट जीत के लाएंगे, इसलिए हम फिर किसी और पार्टी का इंतजार में हैं, मतलब क्योंकि आप लोग तो दूसरे के भरोसे हैं। नहीं, दूसरे पार्टी वाला पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, फल लगाता है, आप लोग तो खाली उसको ले लेते हैं ना। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में इतना सक्षम है मांडू में कि मांडू में कोई भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो निश्चित रूप से विधायक बना के हम लोग भेजाएंगे विधानसभा में। जेबी कैसे आप लोग का बैंड नहीं बजाएगा? वो कुछ नहीं है, वो एक जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वैसे युवाओं का एक भीड़ है जो चुनाव खत्म होते होते भीड़ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब वोटर ही नहीं है जो वोटर ही नहीं है, वोटर ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनका कहना है कि जेबी केसेस में युवक लोग जो हैं वो वोटर ही नहीं है, तो वो कहां से चुनाव जितवाने की बात करते हैं। खैर, आपके यहां से मांडू से भाजपा के लिए स्ट्रांग उम्मीदवार कौन कौन है? भाई साहब, हम मांडू में एक पंचायत का मुखिया भी है। अच्छा, समझे ना। और अगर उस संदर्भ में सरकार की योजनाओं के संदर्भ में अगर आपको हमको पूछिएगा तो जो हमको 2.5 साल मुखिया बने जो अनुभव है जो उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। उन्हें इशारा कर रहे हैं कि आप भी एक उम्मीदवार हैं। हम तो आपको पहले बोले भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है, आप जिसको पार्टी टिकट दे वो चुनाव जीत के आएगा। अच्छा, ये बढ़िया बात है। आजसू में तिवारी मत तो मान जाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी का बात कर रहे हैं ना, आप लोग एनडीए में ना है तो भारतीय जनता पार्टी का तो सीटिंग सीट है ना मांडू। हाँ। हम तो अभी लोकसभा में भी वर्तमान विधायक जो मांडू के थे वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस से चुनाव लड़े। क्या दायित्व है आपका? जिला उपाध्यक्ष है रामगढ़ जिला का, तो चुनाव लड़े दूसरे दल से, उसके बावजूद भी हम लोग मांडू से 33,000 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लीड दिला। तो इस नाते हम आपको पूरा दावा करते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे, हम लोग पूरे दमखम से उनको चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेंगे। टिकट मतलब होना भाजपा ही चाहिए? भाजपा का होना चाहिए। कोई अगर भाजपा में ज्वाइन कर लिया तब? अब देखिए, पार्टी का जो निर्णय है वो तो सर्वोपरि। आप लोग के पास बहुत सारा पैराशूट भी तो है, उसे उड़ के आ जाते हैं। वो हाँ, वो जो ऊपर से उड़ते हैं वो उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग विरोध करेंगे। हाँ हाँ, एकदम विरोध करेंगे, ऊपर से उम्मीदवार आने वाले का विरोध करेंगे। देखिए, बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता बड़े दिल से सुन रहे हैं। आइए सर, इनसे भी बात कर लेते हैं। रामगढ़ के रहने वाले हैं, हम लोग परिचित हैं, नाम है संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह। सर, आप तो रामगढ़ जिला, आप तो प्रदेश में भी है ना कार्यकर्ता कार्यकारिणी में है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जैसा भीड़ देख करके आप क्या महसूस हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का संगठन इस बार जनता के मूड मिजाज को देखते हुए, और ये एनडी गठबंधन की हेमंत सोरेन की भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार को देखने से ये पता चलता है कि झारखंड की एक एक जनता हेमंत सोरेन की सरकार से नाराज है। चाहे वह युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे युवाओं को भत्ता देने की बात हो, चाहे वृद्ध जनों को पेंशन देने की बात हो, चाहे पढ़े लिखे लोगों को पेंशन और भत्ता देने की बात हो, कहीं कोई धरातल पर जमीन पर इनकी एक भी योजना देखने को नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि जब कोई जनता वोट देती है सरकार को, तो जनता को सरकार से अपेक्षा होती है कि हमारी आशा और अपेक्षा के अनुसार सरकार उतरेगी। हेमंत सोरेन ने जो भी वादा जनता से किया था घोषणा पत्र में, उन्होंने एक वादा को भी पूरा करने का काम नहीं किया है। जनता पूछ रही है कि हेमंत सोरेन क्या हुआ तेरा वादा,
आपने कहा 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? लोगों का उत्तर है नहीं मिला। अरे सर जी, अभी थोड़ा देर पहले एक भाई साहब से बात हो रही थी, बोले कि हम तो नौकरी में हैं, 5 महीना से वेतन नहीं मिला। ये जाहिर सी बात है कि जिसको नौकरी मिल गई उसको वेतन नहीं मिल रहा। ये तो सरकार की निकम्मीपन भ्रष्ट व्यवस्था को दर्शाता है। नौकरी तो पैसा नहीं, युवा एक तो नौकरी नहीं, एक तो नौकरी नहीं, जिसको नौकरी उसको वेतन नहीं, वेतन नहीं। यही सरकार की हालात है हेमंत सोरेन सरकार की। इसलिए युवा, छात्र, नौजवान, किसान, महिला, सारे लोग हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। लूट खसोट जमीन का, लूट खसोट बालू पत्थर लोहा चोरी, थाने में भ्रष्टाचार, बिने पैसा का कोई काम नहीं होना, जनता त्राही माम कर रही है। और जनता एक मुझसे कर रही है, हेमंत सोरेन की सरकार को बदलना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, खैर यहाँ भाजपा के लोग हैं, ये लोग तो बदलेंगे ही। हमारे बीच में एक और भाई साहब हैं, इनका भी नाम है गणेश यादव, बरही विधानसभा से हैं और पूरे जोर शोर से समाज सेवा कार्य में लगे रहते हैं। क्या लग रहा है, बरही में भाजपा जीतेगी कि पटकनिया देगा कांग्रेस वाला? धन्यवाद, धन्यवाद रितेश जी। बरही की तो बात मैं बताऊंगा, लेकिन आज जो हजारीबाग के पावन धरती पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये सैलाब देख करके लग रहा है कि झारखंड सरकार को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में स्योर फेंकेंगे। इसलिए कि जो 24 जिला में परिवर्तन चला है उसका आज समाप्ति है। अरे सैलाब ही बता रहा है, इनका जो सरकार की रवैया है, महिलाओं को मिला था पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिए थे 1 रुपया में ब्रदर्स थी, उनको मान सम्मान दिए थे, लेकिन इन्होंने मैया योजना दे करके 2 महीना पहले महिलाओं को लुभा रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने अगर देने था तो 4 साल पहले क्यों नहीं दिए? इनकी सरकार में आपको बता देता हूं रितेश जी कि अगर 2 रोटी के लिए गरीब लोग मुमताज है पेट के लिए, खाने के लिए। वो लोग हर योजना जो है अंतिम में लाते हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहा है क्या? वो भी तो चुनाव लड़ने आया है। भाजपा कभी अंतिम में नहीं लाया। भाजपा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया उनको पूरा किया और जो बोलते हैं वही करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि वो चुनाव जीते, खाली आप ही लोग जीतिएगा? आवर्ष मैंने 200% बता रहा हूँ कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। कि ये जनसैलाब बता रहा है आपको, ये लोग जो ब्लॉक में हो, थाना में हो, कोयले में हो, आपको जो गाड़ी कमाई बालू में हो, ये लोग जो दुरुपयोग कर रहा है, गरीबों को जो शोषण कर रहा है, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए, अब आवास बनना चाहिए, लेकिन जब कोई ट्रैक्टर से गरीब आदमी एक घर बनाने के लिए मंगाता है तो उसे 5,000 रुपया वसूल करके उस पर केस भी लाता है लोग। मैं अपना बरही विधानसभा के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। बरही विधानसभा में अगर टिकट स्थानीय लोगों को परिवर्तन हुआ तो जीत निश्चित है, अन्यथा अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है। बड़ी गंभीर बात है, सोचना होगा। स्थानीयता की मांग, स्थानीय प्रत्याशी की मांग बरही विधानसभा में भी उठ रहा है। अभी हम लोग इतना ही है, अभी फिर और भी देखते हैं, अलग अलग लोगों का रिव्यू लेंगे और क्या है, यहाँ क्यों आए हैं, सारी बातों को लेकर जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप।